हाय गाइस, इंडसई बैंक का मेरे को क्रेडिट कार्ड मिला। नेक्स्ट इंडसई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड मिला उसका पूरा वीडियो में आपको जानकारी देंगे, कैसे कैसे मिला मैं पूरा जानकारी देंगे, उनका अनबॉक्सिंग बताएंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो आप देखिए। मेरा नाम है विश्वजीत, मेरा चैनल का नाम है विश्वजीत बांग्ला। आप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी ऑल दबा दीजिए। कोई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाते हैं। इंडसइंड बैंक का मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करते थे, तो मेरे को bankbazaar.com से मैं इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा था, मेरे को मिल गया। तो मिलने के बाद मेरे को मैं दो तीन महीना यूज़ करने के बाद मेरे पास इंडसइंड बैंक से फ़ोन आया। क्या फ़ोन आया? जो आपके लिए एक ऑफर है, एक बड़ा ऑफर है आपको क्रेडिट कार्ड के लिए, आप एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए राजी है क्या? नहीं है तो नेक्स्ट इंडसइंड बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है मेरे को अप्लाई में आया। तो मेरे को बैंक से फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद मेरे को अप्लाई करना पड़ा। अप्लाई में क्या क्या करना पड़ा? जो मैडम फ़ोन करा था वो मैडम क्या बोले, आपका पूरा जानकारी मेरा लिए, लेने के बाद अब लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए ये पूरा बात मेरे से लिए। मैं बोला हाँ ओके, मैं लेना चाह रहा हूँ। तो इसका फीस क्या है? साल का फीस नहीं है, कोई मानती नहीं फीस नहीं है, इसका फीस है एक ही बार का, साल में नहीं लाइफ टाइम एक ही बार फीस है ये कार्ड का। अब एक ही बार फीस देने के बाद अब एक कार्ड आपको मिल जाते 5,000 रुपये फीस है लाइफ टाइम के लिए। आपको 5,000 रुपये आपको फीस है, अब लाइफ टाइम के यूज़ करिए, अब 5,000 रुपये फीस आपको देना पड़ता। तो ये कार्ड मेरे को मिल गया, मैं अनबॉक्सिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग वीडियो आप देखिए। हाय गाइस, अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। नेक्स्ट इंडसइंड बैंक देखिए, पहला है नेक्स्ट इंडसई बैंक बोल के लिखे से है, इसमें कार्ड है पहला ही नेक्स्ट इंडसई बैंक, ये एक है एक कार्ड है, उसके बाद सात आर क्या क्या है वो बता रहा हूँ। एक बुक है, बुक के अंदर ही नेक्स्ट इंडस्ट्री बैंक लिखे से है, ये बुक है, ये भी एक बुक है, ये भी एक बुक है। पूरा इसका अंदर जो सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा इसका पूरा जानकारी दिए से, ये भी एक बुक है, इसका अंदर यही मिला मेरे को एक कार्ड के साथ। एक कार्ड मिले, एक बुक मिला, एक बुक मिले, एक बुक मिले, एक बुक मिले, ये तीन बुक मिले, चार बुक मिला इटाबा के अंदर, ये चीज़ मिले। एक कार्ड का जो खूबसूरत है, इसका अंदर ये बटन जो दिए से है, ये बटन एक एक काम करते, आप EMI के लिए काम करते, रिवॉर्ड के लिए काम करते, क्रेडिट कार्ड जो ट्रांजेक्शन करते उसके लिए काम करते। आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन जो नॉर्मल करते उसके लिए दिए, तो यहाँ पे ये देखिए लाइट आया। अभी लाइट आने के बाद देने के बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते। फिर ये रिवॉर्ड, अब रिवॉर्ड से आप कोई अब शॉपिंग कर रहे उसके लिए ये दबाना पड़ता,
फिर आपका ईएमआई, जैसा आप जो ट्रांजेक्शन करते उसका ईएमआई करे, तो पहले इसको ईएमआई का दावा के आप दिए, फिर ये 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना, अब जो महीना आप सिलेक्ट करते वो महीना आपको सिलेक्ट हो जाता। एक के बाद एक लाइट आता, देखिए ये आपको 3 ऑप्शन दिए से है। 3 ऑप्शन के लिए क्या, ये मास्टर कार्ड है, अब मास्टर कार्ड है ये आपको 1 EMI, 1 रिवॉर्ड, 1 क्रेडिट कार्ड पेमेंट। आज EMI भी आप एक कार्ड में आप कर सकते हैं, करके आप पीछे ये तो कार्ड नंबर है, इसका CVV वाला है ये कार्ड, अब देखिए यही अनबॉक्सिंग में बताना था। अनबॉक्सिंग जो वीडियो आपको बताया इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए, आप क्रेडिट कार्ड के लिए क्या जानकारी आपको मिले आप कमेंट करिए, क्या का आपको जानकारी मिला आप कमेंट करिए। ये पूरा वीडियो जो बताया आपको कैसा लगा, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी ऑल दबा दीजिए, कोई वीडियो डालता आपको नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाते। आप क्रेडिट कार्ड के लिए क्या जानकारी मिला आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सबका इस चैनल को जरूर करिए, शुक्रिया।